वैसे तो आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऐसी ही एक जड़ी बूटी है मदार का पौधा, जिसे आग के नाम से भी जाना जाता है। वही हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से इसे बहुत ही शक्तिशाली पेड़ माना गया है, इसलिए लोग इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं आयुर्वेद में ये एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधा मुख्य रूप से बाग बगीचों, घर के आसपास और बंजर जमीनों पर आसानी से मिल जाएगा। ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, साथ ही यह इंसान की तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म करने में मददगार है। इस पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध में कई तरह की बीमारियों से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। इन बीमारियों में रामबाण है ये औषधि। मदार का पत्ता वैसे तो काफी जहरीला होता है, पर उतना ही ज्यादा गुणकारी। ये हमें पैरालिसिस, बवासीर, शरीर में दर्द, अल्जीमा, सूजन, त्वचा संबंधित कई बीमारियों की समस्या में राहत दिलाता है। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया, मदार के पौधे को आग के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के पत्तों में दूध निकलता है, इसका दूध काफी फायदेमंद होता है। अगर किसी भी अंग पर सूजन हो जाती है, वहां पर इसका लेप लगाया जाता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। साथ ही साथ बवासीर में काफी लाभकारी है, और पेट की बीमारियां हो या त्वचा संबंधित या अल्जिमा हो जाता है, वहां पर इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है। साथ ही कहीं दर्द हो रहा हो तो इसके पत्तों को गर्म करके सूती कपड़े में उस जगह पर बांध दिया जाए तो बहुत ही जल्दी दर्द निवारण का काम करता है। अगर किसी को पैरालिसिस की बीमारी है, उस अवस्था में उसके पत्तों को गर्म करके उस जगह पर सिकाई की जाती है, जिससे नसों में ब्लड का संचार शुरू हो जाता है, जिससे पैरालिसिस मरीजों को काफी लाभ मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। मैं जिला अस्पताल बाराबंकी में आयुर्वेदिक फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मदार एक पौधे के बारे में आपने जिक्र किया है। मदार को अर्क की नाम से काफ़ी जगहों पर जानते हैं, और भी इसके कई क्षेत्रीय नाम अलग अलग नाम हैं। नाम कैलो इसका बॉटनिकल नाम कैलोट्रोपिस पिनाकिया करके है, और इसको दूध इससे निकलता है। जो उसका दूध होता है व्रण रोपण होता है, कहीं घाव हो जाता है वहाँ पर सूजन हो जाती है तो उसका लेप लगाया जाता है, बहुत अच्छा व्रण रोपण का कार्य करता है। साथ ही साथ बवासीर में काफ़ी लाभप्रद है, पेट की बीमारियों में बहुत अच्छा लाभप्रद है। त्वचा से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, खुजली, रैशेस हैं या एक्जिमा हो जाता है, वहाँ पे इसकी पत्तियों का लेप लगाया जाता है। साथ ही साथ अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसके पत्ते को गर्म करके उस जगह पे लगा करके और एक सूती कपड़े से बांधने हैं, जिससे बहुत जल्दी ये दर्द निवारण का भी काम करता है। साथ ही साथ इसके साथ में औषधीय गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का समावेश सारे चीज़ों का तो नहीं किया सकता है साथ, लेकिन जो जिनका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल करते हैं, शुगर के पेशेंट में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ ही साथ नस की बीमारियां जो होती हैं, जहाँ पे नस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे पैरालिसिस में होता है, तो पैरालिसिस के अगर जिस प्रभावी अंग में है उस प्रभावी अंग में इसके पत्तों को हल्का सा गर्म करके और पत्तों को लगा करके थोड़ा सा एक तरह का सिकाई की जाती है पत्तों की, जिससे काफ़ी अच्छा इसका नसों में एक तरह का संचरण काफ़ी अच्छा हो जाता है नसों में, जिसकी वजह से पैरालिसिस के मरीजों को